निम्नलिखित में से किसने 1990 में धौलावीरा में खुदाई शुरुआत किया था? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए आर एस विष्ट ने। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर को मोक्ष निम्न में से किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? पावापुरी में। भगवान महावीर को मोक्ष पावापुरी में प्राप्त हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, पोलो या चौगान खेलते समय निम्नलिखित में से किस सुल्तान की मृत्यु हो गई थी? तो पोलो या चौगान खेलते समय कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का तोता के नाम से किसे जाना जाता है? अमीर खुसरो को। अगला प्रश्न है दोस्तों, 1905 में बंगाल राज्य के विभाजन की घोषणा किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना सन 1913 में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है? तो निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसे मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सूर्य सेन। सूर्य सेन को मास्टर दा के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन 1928 में अंग्रेजों को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से किया गया था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन कब हुआ था दोस्तों? 1928 में। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसका समर्थन नहीं किया था? भारी उद्योग का समर्थन नहीं किया था। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया? जो देशव्यापी पैमाने पर आयोजित पहला जन आंदोलन था। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन दोस्तों अगस्त 1920 में शुरू किया था। अगला प्रश्न है, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों रेखाएं गुजरती हैं? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों जो है गुजरती हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती हैं? 9 राज्य। तो 9 राज्य इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत की विशाल घाटी कहा जाता है? भारत की विशाल घाटी किसे कहा जाता है दोस्तों? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी गंडी कोटा की विशाल घाटी को। गंडी कोटा की विशाल घाटी को भारत की विशाल घाटी भी कहा जाता है। छोटे समुद्र में रहने वाले जीव पादक प्लवक खाद्य जाल के किस पोषी स्तर से संबंधित होते हैं? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्राथमिक उत्पादक से संबंधित होते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, वन्य जीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत एक सांविधिक बहुविषयक निकाय है, इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? नई दिल्ली में स्थित है। तो WCCB का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगले प्रश्न में मिलान करना है दोस्तों, तो इसमें देखेंगे बेसल सम्मेलन। बेसल सम्मेलन जो है किससे संबंधित था? खतरनाक अपशिष्ट से संबंधित था। बेसल सम्मेलन खतरनाक अपशिष्ट पदार्थों का स्थानांतरण से संबंधित था। दूसरा देखते हैं दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल दोस्तों ओजोन परत से संबंधित था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत से संबंधित था। तीसरा वाला दोस्तों क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जो है दोस्तों वो हरित गृह गैसों से संबंधित था। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है? विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन कौन है? सुंदर वन, रिजर्व वन। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल 34 वैश्विक जैव विविधता वाले संवेदनशील स्थलों में से एक नहीं है? पूर्वी घाट। पूर्वी घाट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? मेघालय में। नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व जो है वो मेघालय राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? भारत में किस निर्जन द्वीप में एक पक्षी अभयारण्य स्थित है? पिट्टी द्वीप में। अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थीं? भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कुल 15 महिला सदस्य थीं। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से लिया गया है? दक्षिण अफ्रीका से। संविधान में संशोधन का प्रस्ताव दक्षिण अफ्रीका देश से लिया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के भाग 13 में भारतीय संविधान के भाग 13 में देश के भीतर व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निम्न का वर्णन है? राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 74 के 1 में। अगला प्रश्न है, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा को किस अनुच्छेद के तहत संसद द्वारा बनाई गई सेवाओं के अंतर्गत माना जाता है? अनुच्छेद 312 के तहत। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना वर्णन किया गया है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत में। अगला प्रश्न है दोस्तों, राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्य जो है मनोनीत किए जाते हैं। अगला प्रश्न है, लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार किसके प्राप्त है? लोकसभा का सत्रावसान करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है? किस राज्य में विधानसभा क्षेत्रों की सर्वाधिक संख्या है? तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 153। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? निम्नलिखित में से किसे गॉस नामक इकाई में मापा जाता है? चुंबकीय प्रेरण को, चुंबकीय प्रेरण को गॉस इकाई में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, एक निश्चित स्तर से ऊपर किसी विमान की ऊंचाई को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विमान की ऊंचाई मापने के लिए दोस्तों अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि नहीं है? कार्य जो है ये सदिश राशि नहीं है, कार्य एक अदिश राशि है। अगला प्रश्न है, एक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के कितना होगी, बढ़ जाएगी? एक पेंडुलम की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के क्या होगी, बढ़ेगी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्रायोजेनिक्स भौतिकी एक शाखा है जो अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित है। क्रायोजेनिक्स भौतिकी की एक शाखा है जो अत्यंत नीचे तापमान से संबंधित होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद इसका उदाहरण है। एक कप पानी में फैलने वाले खाद्य रंग की एक बूंद किसका उदाहरण होता है दोस्तों, ये विसरण का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम ये जो है किसके समस्थानिक होते हैं? प्रोटियम ड्यूटीरियम ट्राइटियम ये हाइड्रोजन के जो है समस्थानिक होते हैं। अगला प्रश्न है, जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं। जंग लगने के लिए 3 घटक होने आवश्यक होते हैं, तो वो 3 घटक कौन कौन होने चाहिए? सबसे पहले लोहा होना चाहिए, तब ऑक्सीजन और आर्द्रता। तो ये 3 घटक जो है आवश्यक होते हैं, लोहा ऑक्सीजन और आर्द्रता। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, किसी उदासीन बिलियन का पीएच मान कितना होता है? किसी उदासीन बिलियन का पीएच मान 7 होता है। अगला प्रश्न है, विरंजक पाउडर को तैयार करने में प्रयुक्त होने वाली गैस का क्या नाम है? विरंजक पाउडर को तैयार करने वाली गैस का क्या नाम है? क्लोरीन। अगला प्रश्न देखें दोस्तों, बागवानी की वह शाखा जो सब्जियों के उत्पादन भंडारण प्रसंस्करण और विपणन से संबंधित है
उसे क्या कहा जाता है? ओलेरी कल्चर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, इसमें मिलान करना है दोस्तों, स्तंभ ए से स्तंभ बी को मिलान करना है। तो यहाँ पे देखते हैं पहला वाला, पेप्टा इडोग्लाइकेन। पेप्टा इडोग्लाइकेन जो होता है वो जीवाणु कोशिका भित्ति होती है। दूसरा है दोस्तों पेक्टीन। पेक्टीन जो है दोस्तों वो फलों की कोशिका भित्ति को कहा जाता है। तीसरा है दोस्तों काइटीन। काइटीन जो होता है वो कीट कीट की कोशिका भित्ति को कहा जाता है। काइटीन कीट की कोशिका भित्ति को कहा जाता है। चौथा है दोस्तों सेलुलोज। सेलुलोज जो होता है वो पौधों की कोशिका भित्ति को कहा जाता है। सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, इस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइट सतहें होती हैं। इस ऊतक में मजबूत तथा मोटी लिग्निफाइट सतहें होती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी, स्क्लेरेन काइमा में। अगला प्रश्न है, दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन केसीन होता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को क्या कहते हैं? आनुवंशिक रूप से समान व्यक्तियों के बीच प्रत्यारोपण को आइसोग्राफ्ट कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन सी जो है सही है, कवक प्रकाश संश्लेषण नहीं करते। अगला प्रश्न है, लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो इसका क्या राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए, पक्वाशय, जिसे गिजर्ड कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ऑक्टोपस जो है किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? ऑक्टोपस जो है दोस्तों वो मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, स्वादन से आशय निम्नलिखित में से किससे है? स्वादन से आशय जो होता है वो स्वाद से होता है। अगला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं क्या होती हैं? अधिक ऊंचाई पर मानव की लाल रक्त कोशिकाएं संख्या में बढ़ने लगती हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, फ्लेमिंगो का त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। फ्लेमिंगो का त्यौहार आंध्र प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सत्रिया शास्त्री नृत्य किस राज्य से संबंधित है? असम से। सत्रिया शास्त्री नृत्य किस राज्य से संबंधित है दोस्तों? असम। और आपको बता दें दोस्तों, मोहिनी अट्टम जो होता है वो केरल राज्य से संबंधित है। विदेशिया जो है दोस्तों, विदेशिया शास्त्रीय नृत्य जो है वो बिहार से संबंधित है। और ओडिसी ओडिसी जो है वो उड़ीसा राज्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय शहर कलमकारी चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है? कौन सा भारतीय शहर जो है कलमकारी चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा मसूलीपत्तनम। अगला प्रश्न दोस्तों, एग्जाम वॉरियर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? युवराज सिंह हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से किस संगीतकार को 2019 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? भूपेन हजारिका को। अगला प्रश्न दोस्तों, सभी विभिन्न खेलों के कोचों के बीच सर्वश्रेष्ठ कोच को दिए जाने वाला पुरस्कार निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। अगला प्रश्न दोस्तों, हॉकी मैच में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? हॉकी मैच में एक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ब्लीडर ब्लीडर शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? ब्लीडर शब्द बॉक्सिंग खेल से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था मंदिर स्थित है? किस राज्य में सबरीमाला श्री धर्म संस्था स्थित है? केरल में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सन 1921 में गांधी जी ने पटना में उद्घाटन किया था किसका? सन 1921 में गांधी जी ने पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे कब? 1939 में।
गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया एवं पटना जिलों में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे, कब हुए थे? 1939 में। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कराया था? बोध गया में। जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण कहाँ कराया था? बोध गया में। अगला प्रश्न है, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? मुरली मोहन प्रसाद थे। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य का बनना संभव है? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, अप्रैल 2023 में किस राज्य ने ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून बनाया है? तमिलनाडु राज्य ने। तमिलनाडु राज्य ने अप्रैल 2023 में ऑनलाइन गैम्बलिंग पर प्रतिबंध लगाने के लिए कानून बनाया है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया? तमिलनाडु। किस राज्य ने अंबेडकर जयंती को समता दिवस के रूप में मनाया? तमिलनाडु राज्य ने। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? अप्रैल 2023 में चर्चा में रहा R21 क्या है? वैक्सीन है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया था? हरियाणा में। अप्रैल 2023 में सांग महोत्सव का आयोजन हरियाणा में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, हाल ही में चर्चा में रही पीड़ा कुनफर सुरंग कहाँ स्थित है? हाल ही में चर्चा में रही पीड़ा कुनफर सुरंग कहाँ स्थित है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में।